Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So today I will start my new topic, forces and machine. Beta, in the previous lecture I discussed about the types of forces, contact forces and the non-contact forces. Beta, वीडियो में मैं आपसे सिंपल मशीन से रिलेटेड डिस्कस करूंगी, मशीन्स क्या होती हैं और हम इन्हें क्यों यूज कर रहे होते हैं. बेटा, मशीन इज अ डिवाइस दैट हेल्प पीपल टू डू वर्क अगेंस्ट सम रेजिस्टिव फोर्स. बेटा, आप सब जो है घरों में भी डिफरेंट मशीन यूज करते हैं, जूसर मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है. हमारा इस मशीन्स को यूज करने का पर्पस क्या होता है? बेटा, मशीन जो है एक तो हमारे काम को बहुत ज्यादा ईजी बना देती है और दूसरा कम टाइम पीरियड में हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं. मशीन को इन्वेंट ही इसलिए किया गया ताकि हमारा काम इजी हो सके और हम कम फोर्स लगाएं और कम टाइम में हमारा क्या हो, काम हो जाए. तो बेटा, मशीन मेक वर्क इजियर. वर्क इज परफॉर्म बाय अप्लाइंग अ फोर्स ओवर अ डिस्टेंस. हमारे पास मशीन में हमें बहुत कम फोर्स लगानी पड़ती है और बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है. अब आपके पास सम सिंपल मशीन्स हैं जो कि मिलकर कॉम्प्लेक्स या आपके पास बड़ी मशीन्स बनाती है. लाइक जो जूसर मशीन है हमारे घर की या वॉशिंग मशीन है, ये बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल मशीन से मिलकर बनी हुई होती है. शायद आप लोगों को सही से पता भी ना हो कि ये सिंपल मशीन कहाँ यूज हो रही है, क्या है, क्योंकि हम लोग जो अब एडवांस लेवल पे आ गए हैं वहां पर ज्यादातर सारी मशीन कौन सी है बेटा, कॉम्प्लेक्स मशीन है जिनमें एक से ज्यादा सिंपल मशीन क्या है, इन्वॉल्व है. तो बेटा, आपके पास सिंपल मशीन की टू फैमिलीज हैं, द लिवर फैमिलीज, लिवर, पुल्ली एंड व्हील एंड एक्सल. ये बनी में भी है बेटा, ये व्हील एंड आपके पास ये पुल्ली की एग्जांपल है और ये लिवर की एग्जांपल है. आपके पास बेटा वेट्स फैमिली में तीन आपकी एग्जांपल या तीन सिंपल मशीन आती है, वेट्स, स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू और इंक्लाइन प्लेन. बेटा, वन बाय वन मैं एक एक सिंपल मशीन को डिस्कस करती जाऊंगी और इसके यूजेस जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, हम इन सिंपल मशीन को कहां और क्यों यूज कर रहे थे, इसके बारे में बताऊंगी. तो बेटा, इस स्लाइड में हम जो है सिंपल मशीन और उसके यूजेस और इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे. वन बाय वन मैं आपको डिटेल में इन सिंपल मशीन के बारे में आगे फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगी. तो बेटा, आपके पास सिंपल मशीन जो है वो कौन कौन सी है और किस लिए यूज हो रही है. सबसे पहले लिवर है बेटा. लिवर लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट और टू पुल ऑब्जेक्ट्स अपार्ट. लाइक कौन कौन सी, सीजर जो हम घर में यूज कर रहे हैं, हैमर, व्हील बैरो वगैरह, ये सब क्या इनकी एग्जांपल्स हैं. फिर हमारे पास सेकेंड सिंपल मशीन है बेटा, पुल्ली. पुल्ली किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा, लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. पुल्ली हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे जो कुएं में हम लोग पानी को खींचने के लिए यूज करते हैं वहां पे भी हम पुल्ली यूज कर रहे होते हैं. व्हील एंड एक्सल, टर्न ऑब्जेक्ट, टर्निंग के लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर और क्रैंक्स वगैरह यूज होते हैं. फोर्थ हमारे पास सिंपल मशीन है बेटा, वेज. ये क्या करती है, स्प्लिट ऑब्जेक्ट और पुल देम अपार्ट. लाइक नाइफ बेटा, वो क्या कर रही होती है, किसी भी चीज को तोड़ने में और किसी भी चीज को दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए यूज की जा रही होती है. और स्क्रू क्या है, स्क्वीजेस ऑब्जेक्ट टुगेदर और मूव एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए भी हम स्क्रू यूज करते हैं, लाइक कॉर्क स्क्रू. और आपके पास इंक्लाइन प्लेन क्या है बेटा, लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट. इंक्लाइन प्लेन का भी क्या मकसद है, हमारा वो मशीन क्यों बनाई गई, ताकि हैवी लोड, हैवी वजन की चीजों को हम क्या कर सकें, उठा सकें, लिफ्ट कर सकें, लाइक रैम. अब वन बाय वन इनकी डिटेल में जाते हैं बेटा. सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लिवर्स. अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं एक सिंपल मशीन है लिवर, उसके बारे में. लिवर इज अ सिंपल मशीन. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट एंड मेड अप ऑफ रिजिड बार दैट कैन बी टर्न्ड फ्रीली राउंड अ फिक्स पॉइंट. बेटा, लिवर्स क्या है, बेसिकली एक सिंपल मशीन है जो लोड को उठाने के लिए, किसी भी हैवी मटेरियल को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज की जाती है. बेटा, लिवर्स जो होते हैं वो तीन कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं. फर्स्ट इज एफर्ट, सेकेंड इज फ्लिक्रम एंड थर्ड इज लोड. ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो लिवर्स को बनाते हैं. आपको वन बाय वन बताऊंगी कि बेटा एफर्ट
विक्रम क्या है और लोट क्या है। अब आपके पास बेटा, as we can see from the diagram, a liver has three basic component, namely effort, fulcrum and load. Liver के तीन हिस्से हैं, यानी कि कौन कौन से बेटा, effort, fulcrum and load. One by one हम पढ़ेंगे कि effort क्या है, fulcrum क्या है और load क्या है, क्योंकि ये तीनों words आपके लिए new होंगे और आपको अभी अच्छे से पता चल रहा होगा कि simple machine जो हम घर पे जो सीजर वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब सिंपल मशीन है हमारी और ये मशीन जो है लिवर की एग्जांपल है। वी मस्ट पुट फोर्स ईदर पुश और पुल ऑन अ लीवर, मेक इट वर्क। एफर्ट इज अ फोर्स एग्जर्टेड बाय अ पर्सन। एफर्ट क्या होती है बेटा, ये जो एफर्ट है हमारे पास बेटा, ये क्या होती है, वो कुवत, वो फोर्स जो कोई भी पर्सन लगाएगा उस चीज को, लोड को, उस मशीन को पे लगाएगा लोड को उठाने के लिए, वो एफर्ट, वो ताकत हमारे पास क्या कहलाएगी, एफर्ट कहलाएगी। अब न्यू वर्ड है फिल्क्रम। फिल्क्रम क्या है बेटा, फिल्क्रम टर्निंग पॉइंट ऑन द लिवर एंड द लोड इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू बी मूव। बेटा आपके पास, हमारे पास फिल्क्रम क्या है, टर्निंग पॉइंट है बेटा, क्या है, टर्निंग पॉइंट, जहां से हम जो है किसी सिंपल मशीन को टर्न कर सकते हैं, टर्निंग पॉइंट वहां पे से कहते हैं। और लोड, जो लोड हम प्लेस करेंगे जिससे हमें हैवी लोड को उठाना है। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द फिल्क्रम द इजियर इट टू मूव। बेटा जो ऑब्जेक्ट जो है, जितना ज्यादा फिल्क्रम से ज्यादा करीब होगा, वो उतनी जल्दी और इतनी ईजी तरीके से जो है लिफ्ट हो सकता है, उठाया जा सकता है। हमारे पास बेटा थ्री काइंड्स ऑफ दी जो है लिवर है, फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर, सेकंड काइंड ऑफ लिवर और थर्ड, लेकिन कंपोनेंट इनके क्या हैं, सेम हैं। ई फॉर एफर्ट, एफ फॉर फिल्क्रम एंड एल फॉर लोड। सो अब जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। In the first kind of liver, the fulcrum is located between and the effort and load, between the effort and load. आपके पास जो आप देख रहे हैं कि fulcrum जो है बीच में, load side पर है और effort भी क्या है, side पर है, mid पर हमारे पास क्या है बेटा, fulcrum मौजूद है, ठीक है। Effort move farther than load, effort force multiply and changes its direction. बेटा आपके पास इस तरीके से हम किसी भी लोड को, हैवी लोड को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। एफर्ट हम लगाएंगे देन लोड पर, और ये फिल्क्रम जो होगी आपके पास क्या है बेटा, ये टर्निंग पॉइंट है किसी भी मशीन का, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर में हमेशा याद रखिएगा कि फिल्क्रम हमेशा कहाँ पे होगा, बीच में होगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे होगा बेटा, बीच पर होगा। लाइक आपने ये डिफरेंट एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड ऑफ दी लिवर की, लाइक सीसॉ, झूला, जो सीजर है वहां पे भी क्या है, टर्निंग पॉइंट है, फिल्क्रम बीच में है। यहाँ पे भी आप देखें फिल्क्रम क्या है, बीच पर है, हैमर में भी क्या है, बीच पर है, और सीसॉ में भी क्या है, बीच पर है। जबकि एफर्ट, आप सीजर की एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, हम जो है यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, ताकत लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, फिल्क्रम जो टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है बेटा, इसका लोड है जो कि हम लिफ्ट करेंगे, कट करेंगे, जो भी सिंपल मशीन हम यूज कर रहे हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है सेकेंड काइंड ऑफ लिवर। फिगर हम देख लेते हैं सबसे पहले बेटा, सेकेंड काइंड ऑफ लिवर में क्या होगा, लोड, यानी कि जो वजन होगा बेटा, वो कहाँ पे होगा, दरमियान में होगा, और फिल्क्रम कहाँ पे होगा, टर्निंग पॉइंट, जहां से टर्न हो रहा होगा वो कॉर्नर पर होगा। आप इन भी एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखें लोड, जो हम लोड है वो क्या है, दरमियान में है, और आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी कि फिल्क्रम कहाँ पर है, लास्ट में है, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं और लोड आपके पास क्या है, बीच में है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, लोड दरमियान में होगा सेकंड काइंड में, जबकि फर्स्ट काइंड में कौन दरमियान में था, फिल्क्रम बिटवीन था, बिटवीन दी एफर्ट एंड दी लोड। बट इन दी सेकेंड काइंड ऑफ लिवर हमारे पास दरमियान में क्या है बेटा, लोड है, और जो फिल्क्रम है, जब आप ये स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं तो आप इस जगह को क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये सेकेंड काइंड की जो है बेटा एग्जाम्पल है बेटा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्ड काइंड ऑफ लिवर। हमने पढ़ा फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर, सेकेंड, और अब पढ़ रहे हैं थर्ड। फर्स्ट में फिल्क्रम बिटवीन था, सेकेंड में हमारे पास लोड, और हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड, यानी कि जिसमें एफर्ट जो है बिटवीन होगी,
बेटा आपके पास व्हेन एफर्ट इज अप्लाइड बिटवीन द लोट एंड द फुलक्रम, यानी कि जहां पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, वो दरमियान में जब लगेगी तो इस काइंड ऑफ लिवर को, इस काइंड ऑफ सिंपल मशीन को हम क्या कहते हैं, थर्ड काइंड ऑफ लिवर। ठीक है बेटा, आपके पास दिस काइंड डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, बट प्रोड्यूस गेन इन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिक्रीज इन स्लोप, सो इट डज नॉट मल्टीप्लाई फोर्स एज काइंड वन एंड टू। बेटा आपके पास यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, आपके पास ये फोर्स मल्टीप्लायर की, यानी कि फोर्स को एनहांस करते हुए नहीं दिख रहा होगा, तो आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड काइंड ऑफ लिवर है दे आर कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर, बट थर्ड काइंड ऑफ लिवर इज नॉट कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। आपके पास ये ट्वीजर की एग्जाम्पल है बेटा, आप ट्वीजर, और आपके पास ट्वीजर जो है आपने ज्यादातर लेबोरेटरी में यूज करते हुए देखा होगा कि जब हम लैब में जाते हैं तो ट्वीजर है जिसमें हम एफर्ट कहाँ पे लगाते हैं बेटा, हम मिड पर एफर्ट लगाते हैं, इस काइंड ऑफ सिंपल मशीन को हम क्या कहते हैं, थर्ड काइंड ऑफ लिवर। अब आपके पास बेटा नेक्स्ट जो सिंपल मशीन है वो है इंक्लाइन प्लेन। बेटा इंक्लाइन प्लेन की आपको कॉमन एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल, आपके घरों के आगे इस टाइप का एक स्लोप बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, वो स्लोप क्यों आप बनाते हैं, इसीलिए ना कि आपकी जो भी कार है या गाड़ी है वो इजली आपके घर में आ सके, लोड इजली जो है लिफ्ट हो सके, तो आपने वो स्लोप बनाया हुआ होता है। तो बेटा इंक्लाइन प्लेन क्या है, इंक्लाइन प्लेन इज अ प्लेन सरफेस सेट एट एंगल टू अनदर सरफेस, अ रैम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू हाइट। बेटा बिल्कुल, ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन भी क्या कर रही होती है कि हम अपने फोर्स को कम लगाएं और हैवी लोड क्या हो सके, लिफ्ट हो सके, तो आपके घर के आगे जो स्लोप होता है वो भी क्या है, रैंप की हमारे पास इंक्लाइन प्लेन की क्या है एग्जांपल है, जिसके थ्रू इजीली आपकी गाड़ी जो है घर के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसी वजह से वो बहुत भारी होती है, लेकिन आपके पास इस स्लोप की मदद से वो इजीली आ जाती है विदाउट एनी लार्ज फोर्स, यानी हमें बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बल्कि इजली वो घर के अंदर आ जाती है। तो इंक्लाइन प्लेन हॉस्पिटल्स में भी होता है, आपके पास डिफरेंट मॉल्स में भी आप देख रहे होंगे इंक्लाइन प्लेन सरफेस होती है, आपके पास पार्क में भी इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे झूला होता है ये मौजूद होता है, और घरों के स्लोप वगैरह में भी ये सिंपल मशीन यूज होती है। फिर आपके पास बेटा है पुली एंड गियर्स, पुली भी बेटा आपके पास क्या है, पुली भी एक सिंपल मशीन है और गियर्स भी आपके पास एक सिंपल मशीन है। सो हम सबसे पहले पुली को डिस्कस करते हैं। बेटा पुली क्या है, इज अ सिंपल मशीन, इट कंसिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ रोप राउंड अ व्हील दैट फिक्स टू अ सपोर्ट सच अ बीम। अब आपके पास बेटा पुली जो है, मैं इसके एग्जांपल से आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करती हूँ कि पुली आपने कुएं में जब आपने कोई डोल डालता है, यानी कि वो बाउल, या वो बाउल जो कि हम पानी के अंदर डालते हैं ताकि ईजिली वो पानी उसके अंदर आ सके और हम पुली के थ्रू जो है अपनी जो भी पानी है उसको हासिल कर सके कुएं से, तो आपने देखा है बेटा वो अगर वैसे अगर हम पानी की एक आप समझे किसी बाउल को, छोटे बाउल को भी उठाते तो वो बहुत मुश्किल होता है उठाना, लेकिन अगर पुली होती तो वो ईजिली जो है उस लोड को ईजिली लिफ्ट कर देती है और कुएं की मदद से हम पानी को हासिल कर देते हैं, तो आपके पास पुली जो है हम लोग कुएं में भी यूज करते हैं। पुली विथ मोर देन वन व्हील अलाउ अ स्मॉल फोर्स कॉल्ड द एफर्ट टू लिफ्ट द हैवी लोड। पुली में एक से ज्यादा व्हील होते हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग लोड को क्या करते हैं, विद अ लिटिल फोर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। द मोर व्हील्स अ पुली हैज द इजियर इज टू लिफ्ट अ लोड, जितने ज्यादा व्हील्स होंगे वो इतनी ईजी तरीके से जो है लोड को क्या कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है। लाइक आप यहाँ पे देखिए, अगर पुली है तो अब आपने रस्सी को खींचना है और ये लोड जो है वो लिफ्ट होता चला जाएगा, एज कम्पेयर टू आप ये पुली हटाकर अगर लोड को खींचेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा फोर्स लगा के करनी पड़ेगी। तो हम मशीन यूज ही क्यों करें, ताकि हमारा काम जल्दी हो और फोर्सेस, हमारी ताकत जो है वो कम लगे। अब लास्ट हमारी गियर्स है बेटा, गियर्स आर यूज टू चेंज द स्पीड इन मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन, ये कॉम्प्लेक्स मशीन में यूज होता है,
और ये स्पीड चेंज करता है, इनहांस करता है या कम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर बीज और गॉक्स एंड दे फिट इन टू ईच अदर. लाइक विस्कर्स में बेटा आपने देखा होगा, या आप मिक्सर में आपके घर पे जो मशीन यूज हो रही होती है बेटा, क्या करते हैं हम उसे मिक्स करने के लिए, तो उसमें भी हम स्पीड चेंज कर रहे होते हैं. तो गियर्स सिंपल मशीन है जो डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास कॉम्प्लेक्स मशीन में यूज हो रही होती है स्पीड को चेंज करने के लिए. बेटा फिर भी आपको कोई भी सिंपल मशीन नहीं समझ आएगी, आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ यूज हो रही है किस प्रोसीजर से, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे लिंक कर सकते हैं. जजाकअल्लाह. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.